भोजपुरी के लिए लड़े, भोजपुरी इंडस्ट्री बनाई और एक इंडस्ट्री इतनी बड़ी हो गई, फिर हिंदी, फिर टेलीविजन, फिर आज तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, मराठी, गुजराती फिल्में सब करने के बाद मतलब इतना अच्छा लग रहा है और अभी भी इतनी सारी फिल्में कर रहा हूं तो अच्छा लग रहा है कि आप ही लोगों ने हमको सुपरस्टार बनाया। मैं तो भीड़ का एक हिस्सा था, मैं भी आप ही लोगों की तरह एकदम पीछे रहता था हमेशा लाइफ में। सो यस, हाँ हो, वाह, धन्यवाद धन्यवाद। तो चल आप ढेर ना बोलब, जब भी अपने लोगों के बीच में आता हूं थोड़ा इमोशनल हो जाता हूं, अपनी कहानियां बताने लगता हूं और शायद इसलिए बोलता हूं कि कभी निराश नहीं होना, शायद इसलिए बोलता हूं ताकि जीवन में ठंडा गर्म आता रहता है, धूप छांव आती है, कभी पैसा नहीं रहता कभी रहता है, लेकिन कभी हार नहीं मानना चाहिए, लाइफ एक वॉरियर की तरह। हाँ हाँ हो, जय हो जय हो, क्योंकि वो लक फिल्म का हमारा डायलॉग है ना, संजय दत्त को हम बोलते हैं कि डैनी साहब को बोलते हैं कि ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20 रुपए की रस्सी राघव की जान ले सकती है, ना 20,000 की गड्ढी राघव को खरीद सकती है। राघव ब्लाइंड खेलता है तमांग, सामने वाले को डबल आना पड़ता है क्योंकि रेस में तो टट्टू दौड़ते हैं, राघव तो शेर है। कहा कि भैया एगो बात बाटे, खांटी है ही हम, देहाती है, देसी महक है, देसी खनक है, देसी नशा है मुझ में, महादेव का भक्त हूं, इसीलिए कहते हैं कि नजर न केकरो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में यू नो पगला गई निकली चंडीगढ़ से, माई गॉड वेयर दिस मैन, इनकी सुंदरता पे गाना, नजर आप खाली ऐसे ही खड़े रहे, आप बीच में आइए और मैं सिर्फ तारीफ का, उसका मतलब मैं आपको बाद में बताऊंगा मैंने क्या क्या बोला आपको, ठीक है? नहीं नहीं, थैंक यू। नजर न के करो लग जाए, कहीं हुस्न के कोठी में एगो निम्बुआ, एगो निम्बुआ हतु चार गो मिर्ची लटका लहा चोटी, मतलब आप इतने सुंदर हैं कि आप अपने बालों में एक नींबू और चार मिर्ची लटका के चला करें ताकि आपको नजर ना लगे, ये थी। फिर कहा था कि हाय रे सोन के सिया, आपके बाल जो गोल्ड हैं, गोल्डन सुनहरे बाल हैं, हाय रे सोन के सिया रूप जानी ए गोरी, हाय रे सोन के सिया रूप चानी ए गोरी, जान मारे तो हर चढ़ल जवानी रे। अरे ओ बाबू, ढोल तबला होता था आतंक मचा देते हम यहाँ, अब क्या कहें यार, है ना? बहुत अच्छा, धन्यवाद, आप हमको आपको पगलाते रहेंगे बीच बीच में, ठीक है ना? तो भैया हो कैसे लगा था, आवाज नहीं आ रही, बवरा ऐसा जाड़ा निकलना चाहिए ठंडी, ऐसे लगे कि ये 4-5 हजार लोग जो जितने भी हैं आप लोग, ऐसे लगे कि 40-50 हजार लोग हैं, तो है ना, ऐसे जोर से एक साउंड आए के चाहिए एकदम बवरा के, वाह 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 वाह। तो भैया हो हम फिर आएंगे, फिर आपको फिर आनंद देंगे, तब तक बहुत दूसरे कलाकारों को हम मौका देते हैं, हम सामने बैठे हैं। हाँ सिन्हा जी, अभी मैं मंच पे रहूं, ओके आप बस थोड़ा सा समय हमारे साथ मंच में रहिए, मैं यहीं पर हूँ। मैं बुलाना चाहूंगी हमारी कैश कॉइन की कोर टीम को कि आप सभी लोग यहाँ पर आए और रवि किशन जी का स्वागत करें। वाह, लैंड रोवर गाड़ी रखी और जगुआर, कौन गाड़ी ले जाएगी हो जा से आज, आप ही लोगों को मिलना है, हमको देना है और क्या, बार बार स्वागत है। तो उसी के साथ मैं बुलाना चाहूंगी मिस्टर सोनू दया, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, एंड मिस्टर धर्मवीर कुंडू, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, मिस्टर सुमित सोनकर, मिस्टर विश्वास देशमानकर,
Mr. Sukhdev Singh, Mr. Pradeep Kashyap, Mr. Asif, Mr. Raja. Please give a huge round of applause. ये हमारी core team है Cash Coin की जो यहाँ पर आई है रवि जी का स्वागत करने के लिए. Come on, जोरदार तालियां. वाह वाह. जोरदार ताली बाबू कड़कड़ा के. फिर इजाजत मुझे नीचे जाने की. हम फिर मुलाकात हुई हो तब तक आप लोग और आनंद लीजिए, खाइए पिए, बीच में भोजन लीजिए, फिर हम आएंगे, फिर आप लोगों को चापेंगे. जय हो आप लोगों की. जय हो. एकदम कड़कड़ा के वो जिंदगी झंडबा फिर भी मजा नहीं आया. क्या पगलापन कर रहा है, सब लोगों का टाइम हो गया है क्या? जिंदगी झंडबा फिर भी. धन्यवाद बाबू. जय हो. थैंक यू सो मच. थैंक यू रवि सर. ऑल राइट, अब मैं बुलाना चाहूंगी स्टेज पे एक हम आपको प्रेजेंटेशन दिखाने वाले हैं कैश कॉइन के बारे में और उसे प्रेजेंट करने के लिए आएंगे मिस्टर रत्नेश. जोरदार ताली से इनका स्वागत करेंगे. आइए जोरदार तालियां मिस्टर रत्नेश जी के लिए. ओवर टू यू. ताली 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 किसके लिए? मेरे लिए नहीं, आपके लिए ताली. इतने बड़े बड़े कलाकार हमारे बीच आए, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है. और इतने बड़े बड़े कलाकारों के लिए इतनी छोटी सी ताली नहीं बजनी चाहिए. तो कैसी ताली होगी ऐसे कलाकारों के लिए? यस, दैट इज आज कैश कॉइन के बारे में बताने का मौका मिला है मुझे. मैं कोर टीम को धन्यवाद देता हूं मुझे ऐसा मौका मिला है. और कुछ देर पहले आपको कॉइन के बारे में पता चला. मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आज जो मेन मकसद है वो हमारा आज कैश कॉइन के बारे में जानना है. तो ये कैश कॉइन है क्या? ये कैश कॉइन है क्या? ये हम आपको दिखाएंगे. ये कैश कॉइन है क्या, ये हम आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे और उसके बारे में थोड़ी सी वर्णना करेंगे. नेक्स्ट हैव अवर वीडियो, द फर्स्ट वीडियो. कंपनी में सबसे अग्रणी व्यापार समूह है. इसका मुख्य कार्यालय रास अल खैमा यूएई में स्थित है. सोने के कारोबार में एक दशक से भी यह लोगों के बीच खुद को सबसे विश्वसनीय ब्रांड में स्थापित कर चुकी है. बीकेएस इंटरनेशनल की बाजार पूंजी $3.2 बिलियन से भी अधिक है और दक्षिण पूर्व एशिया के हर कोने में इसका कारोबार फैला हुआ है. VKS International हमेशा से नवीन विचारों और क्रांतिकारी निवेश परियोजनाओं के बारे में आशावादी रही है और नए संशोधनों के लिए VKS International की खुद की विशाल रिसर्च एवं डेवलपमेंट टीम है जो सालों से बाजार मूल्यांकन की नई फायदेमंद संभावनाओं को खोजती है. और VKS International को क्रिप्टो करेंसी में विशाल क्षमता के साथ संभावनाएं दिखी है. क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी ये आने वाले भविष्य की भुगतान की व्यवस्था है.
ये पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी पर काम करती है, जो कि क्रिप्टोग्राफी के सिंपल तत्वों पर आधारित है और जो पूरी तरह से इंटरनेट पर चलता है, और वो भी बिना किसी बिचौलिए या किसी भी गवर्निंग बॉडी के अधीन। क्रिप्टोकरेंसी का खुमार आज पूरे दुनिया में छा चुका है और पूरे विश्वास के साथ लोग इस करेंसी के माध्यम को अपनाने लगे हैं, क्योंकि ये करेंसी ट्रांसफर का सबसे सुरक्षित और सबसे तेज जरिया है। आज तो विश्व के जाने माने बैंक भी इसे विदेशी लेन देन के लिए उपयोग में ला रहे हैं। इसी की सहूलियत के लिए विश्व के सभी देशों में क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज काम कर रहे हैं, जो बिना किसी बड़ी फीस के सभी तरह के क्रिप्टो करेंसी उपलब्ध करा देता है। VKS इंटरनेशनल ने इसीलिए दुनिया के कुछ जाने माने उद्योग घरानों के साथ मिलकर और अपने रिसर्च और डेवलपमेंट टीम के 3 साल के अथक परिश्रम के बलबूते ऐसा ही एक पर्याय स्थापित किया है, वो कैश क्वाइन है। ये आने वाले युग में लेन देन का नया पर्याय होगा। VKS इंटरनेशनल ने इसे पूरी तरह सपोर्ट करने और इससे